हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेबटेक जोन। आज हम देखेंगे दोस्तों कि आप एक्सेल फाइल का डेटा वर्ड फाइल में कैसे मर्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट का अप्रेजल कर रहे हो और आपके बॉस ने आपको अप्रेजल का लेटर ड्राफ्ट करने के बोला, तो आप जो भी एक्सेल में उनका नाम, डेजिग्नेशन, न्यू सैलरी, न्यू ग्रेड, ये आप वर्ड में जो अप्रेजल लेटर होता है उसमें मर्ज कैसे कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास सामने एक लेटर पड़ा है, जो अप्रेजल लेटर लिया है मैंने एक सैम्पल के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ डेटा चाहिए, जो ये पूरा कंटेंट सेम ही रहेगा लेकिन जो पर्टिकुलर डेटा रहता है वो मुझे चेंज करना है। फॉर एग्जांपल डेट, ओके, नेम, एम्प्लॉय का नेम आएगा, ओके, उसका न्यू सैलरी आएगा, उसका न्यू डेजिग्नेशन आएगा, न्यू ग्रेड आएगी, ठीक है, और कौन से डेट का एप्लीकेबल है ये आएगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कैसे करना है। मैंने एक एग्जांपल के लिए एक अप्रेजल अप्रेजल का एक ये भी बनाया है, लाइक एक एक्सेल शीट बनाई है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे डेट है, नेम है, न्यू डेजिग्नेशन है, ग्रेड है, डिपार्टमेंट है, न्यू सैलरी और इफेक्टिव डेट है। ये हमको यहाँ मर्ज करना है इस लेटर पे। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले जाना है मेलिंग में। मेलिंग में जाके आप करोगे सिलेक्ट रेसिपी पे जाएंगे और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाएंगे, और जहाँ पे भी वो एक्सेल लिस्ट है वहाँ पे आप जाओगे। यहाँ पे मैंने रखा है, ये एक्सेल शीट है, यहाँ पे ये मैंने लिया, और कौन से शीट पे डेटा है वो देखना है आपको। मेरा डेटा ये देखिए, फर्स्ट शीट पे है ये डेटा मेरा, तो मैं फर्स्ट शीट सेलेक्ट करूँगा और ये करूँगा। अभी डेटा आया कि नहीं वो कैसे देखना है, एडिट रिसिप पे जाना है, तो आपको ये देखो डेटा आ गया, डेट, नेम, न्यू डेजिग्नेशन, ग्रेट, ये सब आ गया। ठीक है, नेम आ गया, ये देखिए ये पूरा आ गया, इफेक्टिव डेट आ गया, न्यू सैलरी आ गया। ओके, तो अभी इसको हमको इंसर्ट करना है, तो मेलिंग पे जाना है फिर से, और यहाँ पे मुझे डेट चाहिए, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट डेट करूँगा। ओके, इधर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ पे डियर, इधर मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं मेलिंग पे जाऊंगा, इंसर्ट नेम करूंगा। यहाँ पे मुझे करंट सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे मेलिंग पे जाऊंगा, यहाँ पे न्यू सैलरी पेश करूंगा, और यहाँ पे मुझे न्यू डेजिग्नेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं न्यू डेजिग्नेशन इंसर्ट करूंगा, ये वाला। और ग्रेड भी हम इंसर्ट करेंगे, हमने ग्रेड भी दिया है दोस्तों, तो ग्रेड भी हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इफेक्टिव डेट भी है अपने पास है, इफेक्टिव डेट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट लेना रहेगा, तो नेम के नीचे हम लोग डिपार्टमेंट लेते हैं, डिपार्टमेंट है, ठीक है, बाकी सब ले लिया। ओके, अभी ये सब ओके होने के बाद आपको क्या करना है, फिनिश मर्ज करना है और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और ऑल पे क्लिक करो, बिकॉज आपको ये सबके लिए बनाना है, राइट, ये सबके लिए बनाना है, तो ऑल पे क्लिक कीजिए। तो मैं ऑल पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, तो एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। ये देखिए, डेट आ गया, नेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, ये देखिए अमाउंट आ गया, इफेक्टिव डेट आ गया, सी ग्रेड आ गया, करण डेजिग्नेशन आ गया, ओके, और ये सब लेटर अपने आप बन जाएंगे। ये देखिए ये पांच लेटर बन गए हैं। तो यही था दोस्तों, आप ऐसे ही एक्सेल का डेटा वर्ड में मर्ज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आशा करता हूँ आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। जाने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।